क्या चीज है इधर, यहाँ टीचर मार्कर लगा रहा है, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं इस सेक्शन को? फिर से सुनो, ये तीन होल वाला क्या चीज है, कोई बच्चा बता सके? मेरे को मजा आ जाएगा अगर कोई बता दे तो। सर्किट। नहीं बच्चे, सर्किट इसको नहीं बोलेंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद सर्किट क्या। इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ये तीन होल वाला, इसको हम बोलते हैं सॉकेट, सॉकेट बोलते हैं। लेट मी राइट द स्पेलिंग्स फॉर माई स्टूडेंट्स। एक था अभी अभी हमने, टीचर ने क्या दिखाया, ऑन ऑफ स्विच, एक तो ये दिखाया था, और क्या दिखाया था उसकी राइट हैंड साइड पे, उसका नाम था सॉकेट। ठीक है बेटे, इसको सॉकेट बोलते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से जल्दी से। अच्छा, और टीचर ने क्या बताया था कि ये जो सॉकेट होता है ना, अपने घरों में इसके दो साइज देखे होंगे, एक तो छोटे वाला होता है बेटे, एक ऐसे छोटे वाला होता है जिसमें ये तीन सुराख हैं, एक बड़े वाला होता है ऐसे बेटे, जो तो छोटे वाला होता है वो सॉकेट जो होता है बेटे, वो 5 एम्पियर का होता है। 5 एम्पियर क्या मतलब, उसमें कम करंट जा सकता है। जो बड़े वाला सॉकेट होता है वो 15 एम्पियर का होता है, 15 AMPER। एम्पियर क्या होता है, जिसमें हम करंट को मापते हैं, लिख लो, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर क्या होता है बच्चे? सर 6G को ज्वाइन कर लो। ओके बेटे, एडमिट कर लिया मैंने। अम्पियर को क्या बोलते हैं, SI, SI मैंने इंटरनेशनल यूनिट ऑफ किसका बेटे, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और अब बच्चे बोले सर ये दो दो क्यों होते हैं, इसमें कम करंट क्यों जाता है, इसमें ज्यादा क्यों, दो क्यों बनाते हैं? तो जो छोटे लोड्स होते हैं ना, छोटे वाले लोड्स, जैसे टेलीविजन, ये कम करंट लेता है, ठीक है, और जैसे ही मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर, ये सारे कम करंट वाले होते हैं, ये 5 एम्पियर पे चल जाते हैं। लेकिन जो बड़े वाले लोड होते हैं, जो ज्यादा करंट खींचते हैं, ज्यादा, जैसे कौन सा, पानी गर्म करने वाला गीजर, और कौन सा बेटे, जैसे के कूलर, और कौन सा, एयर एसी एयर कंडीशनर, और कौन सा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारे बड़े लोड होते हैं, इसके लिए हमें ये वाली 15 एम्पियर की सॉकेट चाहिए होती है। जो बड़ी वाली सॉकेट होती है, इसका क्या नाम होता है, पावर सॉकेट, पावर सॉकेट, और जो 5 एम्पियर वाली, इसको नॉर्मल सॉकेट बोलते हैं। है ये दोनों सॉकेट, ओके। तो टीचर ने अपने बच्चों को एक प्रैक्टिकल चीज दिखाई, बिजली से लिंक्ड। अब मेरा एक और, एक्सक्यूज जी बेटे, सर, थोड़ा सा जूम कर दो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बड़े फॉन्ट में लिखूंगा, आई गॉट इट, बच्चे ज्यादा है, लास्ट में बैठे हैं, तो मैं अगली बार इसको, इस वाले को बड़ा करके दिखा देते हैं, मैं अगली बार फॉन्ट बड़ा करूंगा, क्योंकि क्लासरूम काफी लंबा है आई थिंक। शाबाश, कौन बच्चा बताएगा, इसके अंदर जो डालते हैं, इस सॉकेट के अंदर जो हम डालते हैं, जिसके आगे तार भी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? फिलामेंट, नहीं बच्चे, फिलामेंट नहीं बोलते उसको, ऐसा होता है देखने में, ऐसा होता प्लग। है। शाबाश, उसको हम बोलते हैं प्लग, ऐसे उसमें से वायर निकलता है, ठीक है, क्योंकि 3 पिन लगे होते हैं, इसको बोलते हैं 3 पिन प्लग। ये प्लग हम सॉकेट में इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, देखें कौन बच्चा बताता है, इसका नाम बताओ भाई आप। इसका क्या नाम होएगा, यहां से वायर जाती है,
टू। सही, बिल्कुल सही, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा निकला कोई। टू पिन प्लग बोलते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसको क्या बोलते हैं जो टीचर अभी बना रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं बेटे, बताओ? वन प्ले इसको बोलते हैं, नहीं बेटे, वन प्लग। इसको बोलते हैं टेस्टर, टेस्टर बोल देते हैं, या फिर इसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोल सकते। ओके, स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, ऐसे बोल सकते हैं दोनों, जिसमें यहां से लाइट भी जगती हो अंदर से और बिजली में इसको डालने से, तो वो टेस्टर है, वरना हम इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, उससे पहले मैं एक चीज और दिखा देना चाहता हूं अपने बच्चों को, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाऊंगा अभी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। देखो, मान लो बेटे मेरे पास ये बिजली का एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस सेल से मैंने ये तार खींचा कॉपर का और यहां पर एलईडी लगा दिया। कोई बच्चा बताएगा एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलईडी की फुल फॉर्म इसका क्रिस्टल डिस्प्ले होता है बेटे, लाइट एमिटिंग डायोड। लिख लो शाबाश, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें से जब भी करंट निकलता है तो ये लाइट छोड़ता है, छोटा सा बल्ब होता है ये, ठीक है? और जैसे ही हमने इसको यहाँ जो पूरा सर्किट क्लोज हो गया, क्लोज सर्किट होने से ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर मैं यहां से वायर को तोड़ दूं तो ये तोड़ा हुआ सर्किट ओपन हो गया बच्चे। फिर क्लोज करने से तो ग्लो करता है, लेकिन जैसे ही मैंने ओपन करा तो इसका जगना बंद हो जाएगा, तो ये एलईडी डज नॉट ग्लो। फिर डज नॉट ग्लो, ओपन करने से डज नॉट ग्लो, क्लोज करने से ये एलईडी ग्लो करेगा, और इस ओवरऑल अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। गॉट इट? जिसमें बैटरी भी लगी होती है जो हमें करंट प्रोवाइड करती है। और बैटरी बोल दो, सेल बोल दो, और कुछ भी बोल दो, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है हमेशा। पॉजिटिव वाली डंडी लंबी बनानी है बच्चे, नेगेटिव वाली छोटी बनानी है। अगर मैं दोनों में से बिल्कुल क्लियरली फर्क बताऊं सेल और बैटरी में, तो सिंगल सेल होता है ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हो गया सेल। लेकिन अगर मैं काफी सारे ले लूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी। इन सारे सेल्स को आपस में जोड़ दूं, तब एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी आवाज से बोला कि सर, तब इसको बैटरी बोलते हैं, बैटरी इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी का डेफिनेशन ही ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। व्हाट इट? ज्यादा करंट खींचना हो तो उस बैटरी यूज कर लेते हैं, कम करंट लेना हो तो सेल यूज कर लेते हैं। अब देखो, टीचर आपको दिखाने भी लगे हैं, ये देखो, ये देखो मेरे पास हाथ में, देखो सभी बच्चे, मेरे पास एक जूम कर दो। दो सेल लगे हुए हैं, दो सेल देखो सीरीज में मैंने लगा रखे हैं इधर, ये दोनों सेल मिलके बैटरी बन गया। बैटरी का मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आ गया, और ये मेरे पास व्हाइट कलर का एलईडी है बच्चे। अभी ये ग्लो नहीं कर रहा, जानते हो क्यों नहीं ग्लो कर रहा? क्योंकि दूसरी तार को मैंने इधर लगाया ही नहीं, ये ओपन सर्किट है। टीचर ने बोला ओपन सर्किट में ग्लो ही नहीं करता। अब मैं इसको ग्लो करके दिखाऊंगा, सभी बच्चे देखेंगे। मैं इसका सेकेंड टर्मिनल बैटरी से जोड़ूंगा तो एलईडी ग्लो करेगा। ध्यान से देखो टीचर क्या कर रहे हैं, ये लगाया 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 लगाया, इधर से मैंने इसको दबाया, जगह क्या जगह बेटा? देखो क्लोज्ड सर्किट में एलईडी ग्लो कर रहा है, ठीक है? कंट्रास्ट में दिखाता हूं आपको ब्लैक कलर के, ये देखो जग रहा है। अगर मैं तार जोड़ दूंगा तो ये बुझ जाएगा, ध्यान से देखना।
ये देखो, अब ये नहीं जग रहा, फिर से रोक के दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है? दोबारा ग्लो करके देखें। ये टीचर इसको ये लगाया, जगह ग्लो करा, सही। यस, अभी ग्लो करा। यहां पर आपको अच्छा दिखेगा। अभी ये ऑफ कर दिया टीचर ने, तो यहां से हमने जजमेंट करा कि कब ये चीज होती है। अब हम प्रैक्टिकल आपको दिखाने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटे इलेक्ट्रिसिटी के। हेडिंग दो सभी बच्चे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश, सभी बच्चे हेडिंग देंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश। देखो बेटे, इसमें हम देखने लगे हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। शाबाश, देखो मैंने फॉन्ट मोटा कर दिया है, बड़ा कर दिया है, ताकि बच्चे पीछे बैठे हैं उनको भी दिखे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? आप कहोगे, ध्यान से सुनना, आप ऐसे बोलोगे कि सर, अगर कोई हमारे पास मेटल का वायर है, ध्यान से सुना, मेटल का वायर। कोई बच्चा कहता है सर मेटल का वायर का क्या मतलब, तो मैं बोलूंगा बेटे, या तो वो वायर कॉपर का हो सकता है, या वो वायर आयरन का हो सकता है, या वो वायर एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो ये सारी चीजें मेटल्स होती हैं। इसका मैंने एक वायर ले लिया बच्चे, अगर इसकी वायर के अंदर चार्ज फ्लो करे, चार्ज इस वायर के अंदर क्या फ्लो करे, चार्ज, कौन सा वर्ड टीचर ने लिखा, चार्ज फ्लो करता है, रुका हुआ ना हो, ऐसे बैठा ना हो एक ही जगह पर, बल्कि मूव करता हो, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन ए वायर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चा मेरे से पूछेगा दो सवाल, सर इसको मूव करवाना कैसे है? तब मैं कहूंगा बेटे, इसकी साइडों पर आपको बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है, या सेल कनेक्ट करना पड़ता है। बच्चे कहेगा सर, सर ये चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये तो मेरे को पता लग गया कि चार्ज के फ्लो करने से आप इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हो, लेकिन ये चार्ज आया कहाँ से, ये होता क्या है? तब हम चार्ज को ऐसे डिफाइन करते हैं, चार्ज इज इक्वल टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने वाले पार्टिकल को चार्ज बोलते हैं। और सर ये आते कहां से हैं? दुनिया की, ध्यान से सुनो, ये चार्ज कहां से आता है? दुनिया की कोई भी चीज किसकी बनी होती है? एटम्स की होती है, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, चार्ज होता है बेटे, चार्ज। एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ एटम, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स। अब मेरे को बच्चे ने बोला सर ये सारी चीजें एटमों की बनी होती हैं। मैंने कहा यस सर, लकड़ी और प्लास्टिक भी एटम्स का बना होता है, यस वो भी बना होता है। सर इसका मतलब हम इसकी मेटल की जगह अगर लकड़ी और प्लास्टिक को लगा दें उसमें भी चार्ज फ्लो करेगा। यहां पर टीचर का आंसर आ गया नो, क्यों सर, वो भी तो एटम की बनी है, आपने बोला एटम के अंदर चार्ज होता है। इसलिए बेटे, चार्ज होने के साथ साथ वो चार्ज फ्री भी तो होना चाहिए मूव करने के लिए। ये जो चार्ज है कोई बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अब मान लो ऐसे जेल में एक ऐसे करके कैदी खड़ा है, उसके यहां भी हथकड़ी लगी है पिलर के साथ, यहां भी खड़ी है ऐसे पिलर के साथ,
क्या वो मूव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, वो तो वहीं पे खड़ा रह जाएगा। इसलिए जो चार्ज होता है मेटल के अंदर, जो चार्ज होता है वो चार्ज होता भी है, ऊपर से फ्री भी होता है। फ्री मीन्स फ्री टू मूव। लेकिन जो प्लास्टिक और लकड़ी बोली है उसमें चार्ज कम होता है और फ्री भी नहीं होता। गॉट इट? तो इसका मतलब है जो चार्ज है वो फ्री भी, फ्री टू मूव भी होना चाहिए। ओके, अब यहां से बच्चों को समरी करूं तो मैं, इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटल की वायर में इसीलिए फ्लो करता है क्योंकि मेटल की वायर में बहुत सारा चार्ज होता है और वो भी फ्री होता है, और उसको पुश करने के लिए, धक्का मारने के लिए हमें साइड पे बैटरी लगानी पड़ती है। गॉट इट? समझ आया बेटे? फिर से सुनो, कम से कम शब्दों में समरी बता रहा हूं। मेटल की जो वायर्स होती हैं, कोई भी एक मेटल ले लो, उसमें ना केवल चार्ज होता है बल्कि चार्ज ज्यादा मात्रा में होता है, और वो चार्ज फ्री टू मूव होता है, यानी अगर उसको धक्का मारा जाए तो वो मूव करेगा। गॉट इट? अब कोई बच्चा कह रहा है, सर अभी अभी आपने बोला था वुड और प्लास्टिक में ये चार्ज कम होता है और उसमें मूव नहीं करता, बाउंड होता है, उसमें बंधा हुआ होता है, मेटल में ये फ्री होता है। तो जिन चीजों में करंट नहीं निकल पाता उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बोलते हैं जिन चीजों में करंट निकल पाता है, लोहे की चीज हो, कॉपर की चीज हो, एल्यूमिनियम की चीज हो, सारी मेटल्स हैं देखो बेटे, जिनमें से करंट निकल पाता है उनको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर। शाबाश, कंडक्टर्स। जानते हो ये कंडक्टर वर्ड कहाँ से लिया है इन्होंने? ये होता है बस के अंदर। आप कभी ने कभी सफर करा बेटे बस के अंदर? जब कंडक्टर विसल मारता ना, सीटी मारता है, तो बस चलती है। तो जिसमें करंट चल सकेगा, जिसमें चार्ज मूव कर सकेगा, वो कंडक्टर्स होते हैं। ओके, कंडक्टर, मैंने कंडक्टर वर्ड इंग्लिश के वर्ब कंडक्ट से लिया गया है। कंडक्ट का मतलब बहाव हो सकना, बह सकना, मूव कर सकना, गतिमान हो सकना। ठीक है बच्चे? तो मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को यहां से ये समझ आया कि बिजली के कौन कौन सी चीजें हमने आज देखी और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं पांचों, कितनी क्लासें हैं? सिक्स क्लास हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा जवाब देता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने लगा हूं, देखते हैं कौन सी क्लास विनर होएगी। रेडी फॉर कंपटीशन, शाबाश। आपने मेरे को बताना है, सबसे पहले बताएगी जो क्लास वही विनर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एकदम से बोल दो, बस हाथ नहीं खड़ा करना। व्हाट इज इस बच्चे को जवाब देंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा सा वीक था, एम्पायर बोल दिया, लेकिन बोलना क्या उसको बेटे? एम्पियर, एम्पियर बोलना, एम्पियर कैपिटल ए से लिखते हैं। कौन सी क्लास का बच्चा था जिसने एम्पायर बोल दिया? हाँ, सी क्लास। सी क्लास विनर होगी फिर तो, ई ई क्लास विनर। चलो ओके ओके, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, शाबाश। जो बड़े वाली सॉकेट थी उसका क्या नाम बताया था सर ने? बड़े वाली पावर सॉकेट, पावर सॉकेट, दैट्स द पॉइंट। सबसे पहले पता नहीं कहां से आई आवाज बेटे। हाँ, डी में से आई थी, सिक्स्थ डी इज द विनर, विनर। लास्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश 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 शाबाश, योर अटेंशन। किसी मेटल में चार्ज तभी फ्लो कर सकता है क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा होता है और ऊपर से चार्ज क्या होता है बताओ? फ्री
ये तो बहुत अच्छा डी सर, ये तो बहुत हार्ड कंपटीशन है वही, सॉरी क्लास। ओके ओके बी बॉम्बे। तो जिन जो क्लास थोड़ा सा, ए क्लास थोड़ा सा पीछे रह गई, चलो कोई बात नहीं, अगले आर्टिकल में देखते हैं। चलो बेटे शाबाश, अगले आर्टिकल में देखेंगे। अब फिर से पूछूंगा, कंपटीशन बाद में होएगा, ध्यान से पढ़ना, देखते हैं बाद में कौन सी क्लास जीत पाती है। ठीक है, याद रहे ए सेक्शन में अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और एफ सेक्शन भी रह गया। चलो अब हम बल्ब के बारे में बात करेंगे, बल्ब के बारे में। शाबाश, ध्यान से सुना, बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके बेटे, दिखने में कैसा होता है, ऐसा होएगा। इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक। सबसे पहली बात, इस बल्ब में यहां पर हमने एक गैस भरी होती है, इस गैस का नाम होता है कौन सी गैस। हाँ बेटे, आर्गन भी भर सकते हैं, नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, आर्गन भी भर सकते हैं, ज्यादातर आर्गन भरी होती है। ठीक है, याद रहे यहां पर ऑक्सीजन गैस बिल्कुल नहीं भरी जा सकती। अब टीचर बाद में कारण भी बताएंगे। दूसरी बात, इसका जो ये फिलामेंट होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है फिलामेंट, फिलामेंट मटेरियल, इसका नाम होता है टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है बेटे, जब भी इसके अंदर से करंट निकलेगा तो ये ग्लो करता है, रोशनी डाल मारता है, और इस बल्ब का जो एनवेल्प है, ये जो एनवेल्प है बाहर की बाउंड्री, ग्लास ये ग्लास की, केज ग्लास। ठीक है, कभी भी ये ना तो प्लास्टिक की बनी होगी, कभी नहीं होगी, ना ही किसी मेटल की बनी होती है। गॉट इट राइट। अब होता क्या है, जैसे ही इसमें से बिजली का करंट निकलता है, करंट का सिंबल क्या होता है, आई, आई होता है बेटे, तो ये करंट के कौन से इफेक्ट की वजह से फिलामेंट ग्लो करता है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, करंट के पास होने से ये टंगस्टन का फिलामेंट गर्म हो जाता है, गर्म होने से ये हमें क्या देता है, हीट भी देता है और रोशनी भी देता है, लाइट भी देता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ध्यान से सुनना बच्चे, कि इस मेट ग्लास के बल्ब में हम वैक्यूम क्यों नहीं रख सकते, वैक्यूम मैंने बिल्कुल खाली जगह, वो क्यों नहीं रखते। ध्यान से सुनना, इसके बाहर से कौन सी चीज का प्रेशर होएगा, हवा का प्रेशर होएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर होता कितना है बेटे, सभी बच्चे उसको याद रखेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 101325 पास्कल। फिर से सुन लो, 101325 पास्कल इसका यूनिट है। अगर इतना सारा प्रेशर बाहर से होएगा और अंदर बिल्कुल खाली जगह होएगी, कोई भी चीज नहीं भरी होएगी, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बल्ब का कांच बिल्कुल जल्दी टूट जाएगा, ग्लास ब्रेक कर जाएगा, इसलिए इसको अंदर से बाहर की तरफ भी दबाव देना पड़ेगा किसी चीज का, तभी ये टूटने से बच पाएगा। अब अंदर से बाहर दबाव देने के लिए हम ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरते, इसलिए नहीं भरते क्योंकि ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करेगी।
ऑक्सीजन तो जलने में मदद करती है, ऑक्सीजन ऑलवेज हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजर का काम करती है। दुनिया में जहां पर भी ऑक्सीजन नहीं होगी आग नहीं लग सकती, किसी भी ऑक्सीजन की प्रोसेस, आग लगने की प्रोसेस तभी हो पाएगी अगर वहां ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ आग लगा के अपने कमरे को आग थोड़ी लगा देना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं सेफ हो, रोशनी मिले, इसलिए हम कभी भी ऐसी गैस को नहीं लगे लेंगे जो बर्निंग में मदद करती है, हेल्प्स इन बर्निंग। हम क्यों लें, रिस्क क्यों लें? फिर हम नाइट्रोजन गैस क्यों भर देते हैं? क्योंकि बेटे नाइट्रोजन गैस को आग कभी नहीं लगती और ये बहुत लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। फिर आजकल नाइट्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया गया आर्गन गैस से। आर्गन गैस क्या होती है? बिल्कुल ही सुस्त गैस होती है, इनर्ट गैस। मतलब इनर्ट गैस का क्या मतलब है? टोटली नॉन रिएक्टिव। नाइट्रोजन तो फिर थोड़ा बहुत रिएक्टिव हो सकती है, लेकिन आर्गन बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती। फिलामेंट की गर्माइश का बिल्कुल भी असर नहीं होता आर्गन के ऊपर, तो इसलिए आर्गन को आग नहीं लगती। तो हमारे कमरे अगर हम 2-3 दिनों के लिए बल्ब को जगता हुआ भी छोड़ दे और घूमने चले जाएं छुट्टियों में, तो ऐसा नहीं है कि पीछे से हमारा घर को आग लग जाएगी। गॉट इट? और टंगस्टन क्या होता है? कुछ मेटलों के मिलाप से बनाया हुआ स्पेशल मटेरियल होता है, और ऐसे मटेरियल को हम अलॉय बोलते हैं, वन ऑफ दी अलॉय। अलॉय बहुत सी एग्जाम्पलें होती हैं अलॉय की, ब्रास होती है, ब्रॉन्ज होती है, ठीक है, बेल मेटल होती है, ऐसे ही अलग अलग मेटलों के मिक्सचर से अलॉय बनता है, लेकिन एक अलॉय वैसा ही टंगस्टन होता है, ठीक है। तो टंगस्टन मटेरियल ऐसा है वो जल्दी ज्यादा रोशनी फेंकता है करंट के निकलने से। ये करंट, ये बिजली रोशनी क्यों देता है? क्योंकि करंट का कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। बटे ये नीचे दो टर्मिनल लगे होते हैं एल्यूमिनियम के, इसमें हम वायर जोड़ते हैं, और इस बल्ब को जिस चीज में ऐसे फिट करते हैं वो क्या चीज होती है जो दीवार पे लगी होती है, उसमें हम बल्ब ऐसे इंसर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं होल्डर, होल्डर बोलते हैं बच्चे इसको। गॉट इट? तो सर ने आपको बल्ब के बारे में इतनी सारी बातें बता दी, देख लो, देख लो फिर से क्या क्या बताया टीचर ने। एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताई, गैसेस के बारे में बताया, टंगस्टन बताया, ठीक है, और ये बताया आर्गन गैस क्यों है बेस्ट, और ये बताया होल्डर क्या चीज होती है, और क्या बताया कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करता है। गॉट इट? और एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बता बताइए उसने, कितनी होती है? 101325 पास्कल, ठीक है बेटे। और टंगस्टन क्या कोई मेटल है या इंसुलेटर है या अलॉय है? अलॉय है। इतनी सारी बातें आपको बताई। गॉट इट? यस अब कंपटीशन का टाइम आ गया, शाबाश। ओके एकदम से बोलना है, जो सबसे पहले बोलेगी क्लास उसी को जवाब दिया जाएगा। मैं इसको इरेज करने लगा हूं, ऐसे तो आपको याद रह जाएगा। देख लो एक बार, देख लो, फिर कंपटीशन है, जल्दी से देख लो, मैं इरेज करने लगा हूं। देख लिया दिया। गुड जॉब। अब पता लगेगा कौन सी क्लास सबसे आगे है। पिछली बार, पिछली बार 6th ए क्लास पीछे रह गई थी, लेकिन बॉम्बे वाली क्लास आगे निकल गई थी, सी क्लास ई भी आगे निकल गई थी, है ना बेटे? चलो चलो चलो, कंपटीशन कंपटीशन, रेडी रेडी बेटे? तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन एक ही बार बोलूंगा, एकदम से जवाब देना है, एक ही बार, एक ही बार, शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर?
वन जीरो वन थ्री टू फाइव एम्पेरिकल। सबसे पहले एक लड़के की नाम आया, लड़के की आवाज आई थी बेटे, बड़ा क्लियर। अमन सर, अमन बी क्लास में थे। अमन, अमन बी क्लास, यस 101325। लेकिन बेटे साथ में यूनिट भी बोलना है। यूनिट क्या होता है? पास्कल। सर ईशा अक्षर ने बोला था। सर बी ने अच्छा अच्छा चलो कोई बात बोला, नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ने बोला ओके ओके ईशा ओके अक्षर अच्छा 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 ने बोला साइलेंस साइलेंस है। ये मैं डिसाइड करूंगा, आपने नहीं डिसाइड करना है। सेक्शन आपने नहीं बताना, मैं बताया करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा बढ़िया है बल्ब में भरने के लिए? आर्गन गैस। आर्गन गैस क्यों? सेक्शन वाले सबसे पहले बोला सर। आर्गन गैस थी और ये इनर्ट गैस होती है। आर्गन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक तो टीचर के अंदर अलॉय बताया था, उसका नाम था टंगस्टन, लेकिन उसके बिना भी टीचर ने तीन अलॉयज की एग्जाम्पल बताई। बिल्कुल सही। ये बच्चा कौन है यार जो इतना बढ़िया बोल रहा था? ब्रास, ब्रोंज, बेल मेटल। सिक्स डी में बोला, सिक्स। हाँ, ब्रास, ब्रोंज, बेल मेटल। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम बेटे, योर अटेंशन, योर अटेंशन। अब हम एक चीज करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। लिखो, सारे हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज। शाबाश, जल्दी से, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज पहला पॉइंट। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे, ये ट्यूब लाइट होती है उसमें सर प्लास्टिक की कवरिंग होती है सर, वो कैसे? दोबारा से बोलो। सर एलईडी बल्ब और ट्यूब लाइट में सर प्लास्टिक की आउटसाइड ही होती है, कवरिंग होती है। बैठो 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 बैठो, देखो ध्यान से सुनो। जो ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट है बच्चों, राइट, ये दो तरह की होती है। जो पुराने टाइप की है उसका जो कवर होता है वो कांच का होता है, ग्लास, और उसके ग्लास के अंदर जो कोटिंग होती है वो जिंक सल्फाइड की होती है, जिंक सल्फाइड, ZNS। और जो नई ट्यूबलाइट आई है आजकल, उसकी जो कवरिंग है वो वाइट ग्लेज्ड प्लास्टिक की होती है, वाइट ग्लेज्ड प्लास्टिक, वो एलईडी की होती है। एलईडी और इस ट्यूबलाइट में, कन्वेंशनल में, पुरानी में, जिसको फ्लोरिसेंट ट्यूब बोलते थे, ये धीरे धीरे कम हो रही है अब। इन दोनों में फर्क ये है बेटे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जोर से टकराते हैं और जिंक सल्फाइड चमकने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं। लेकिन एलईडी में इसके अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है, वो ग्लो करती है बस, और वो एलईडी की लंबी स्ट्रिप होती है, लंबी स्ट्रिप, वो ग्लो करती है, और प्लास्टिक की कवरिंग उसको, उसकी जो चमक होती है, जो आंखों में चुभे ना, सिर्फ को सिर्फ उसको कवर करने का काम करती है, और कोई काम नहीं। अगर इसकी 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 बाहर वाली हम कवरिंग को उतार भी दें तो भी चमकेगी, वो जगेगी, ऑन होएगी, पर इस पुरानी ट्यूब में नहीं है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो ही जिंक सल्फाइड चमकता है, ठीक है। अगर हम इसमें से ऊपर वाली कांच की परत को उतार देंगे, पुराने वाली ट्यूब में, फ्लोरिसेंट ट्यूब में जो कांच की बनी होती है, वो ग्लो नहीं करेगी फिर, ठीक है। और ये जो एलईडी होता है, इसका चाहे ट्यूब हो चाहे सिंगल बल्ब लगाओ, ऐसे एलईडी, इसके मटेरियल को आपने याद रखना है, सभी बच्चे लिख लो, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इसका ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिख दो,
एलईडी कंसिस्ट ऑफ गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। शाबाश, अब हम आगे चलते हैं। एलईडी जो होते हैं वो सिर्फ लाइट को फेंकते हैं, गर्म नहीं होते। हाँ सर अभी लिख रहे थे। हाँ लिख लो, दोबारा लिख लो, दोबारा लिख लो, ये क्या बात होगी। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, एलईडी में हीट बिल्कुल भी नहीं होती। हीट नहीं होती किसमें? लाइट एमिटिंग डायोड चाहे ट्यूबलाइट, हीट नहीं होती उसमें, सिर्फ लाइट होती है, और इसलिए प्लास्टिक के कवर से चल जाएगा, प्लास्टिक पिघलेगा ही नहीं। लेकिन जो फ्लोरिसेंट ट्यूब होती है या बल्ब होता है, उसमें लाइट भी होती है और हीट भी होती है। अगर हम उसमें प्लास्टिक लगा देंगे तो प्लास्टिक तो पिघल जाएगा, ठीक है, इसलिए कांच लगाना पड़ता है। अब हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल सभी बच्चों को याद होना चाहिए, इसका सिंबल ऐसे करके 2 0 बना के, और ऐसे इसको बोलते हैं फ्यूज। दूसरी बात, ये होता क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव वर्ड प्रोटेक्ट से लिया गया है। प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है? रक्षा करना, हिफाजत करना, सेफ्टी करना। लेकिन ये किससे सेफ्टी करता है? हमारी बिजली की, करंट की वजह से किसी की मौत ना हो जाए, किसी को इलेक्ट्रिक करंट लग जाए और उसको मौत ना हो जाए, उससे बचाता है हमें। और बिजली से किसी को करंट लगने से मौत हो जाए, उस वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज होता है इंग्लिश में? इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन, सो इलेक्ट्रोक्यूशन से बचना है हमने। होता क्या है, ये डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। उससे हमें ये बचाता है फ्यूज। गॉट इट बच्चे? आज के टाइम में हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज की बजाय एक और चीज यूज करना शुरू कर दिया लेटेस्ट, उसको बोलते हैं हम MCB। किसी बच्चे को पता है इसका फुल फॉर्म? MCB। इसका मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका भी बिल्कुल वही काम होता है जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का होता है। अब ये करते क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये करते कैसे हैं, बचाते कैसे हैं हमें। योर अटेंशन, ये हमारा बिजली का मीटर है, जहां से बिजली आती है, इलेक्ट्रिक मीटर घरों में जो लगा होता है, वहां से ये तार आई और यहां पर ये फ्यूज लगा हुआ है। गॉट इट? और ये तार हमारे घरों में इधर से पॉजिटिव वायर और इधर से नेगेटिव वायर, नेगेटिव पॉजिटिव बच्चे हैं। ये तार आई, ये आगे किसको लगी होती है? फैन को लगी होती है। यही तार आगे इधर कहाँ लगी होगी? ये लगी होगी किसको लगी होगी बेटे? फ्रिज को लगी होगी, रेफ्रिजरेटर को, ओके, फ्रिज को। और यही दो तारें कहाँ लगी होंगी आगे? हमारे घरों की सॉकेट को लगी होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज करो किसी घर में ये छोटा बच्चा है, इसको तो बिल्कुल समझ नहीं है, ये छोटा बच्चा गया और इसने सॉकेट में अपना फिंगर डाल दिया, ठीक है, तो बिजली इसकी बॉडी को मिलेगी, बॉडी से अर्थ में आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी बॉडी में से बिजली गुजरेगी तो इसकी मौत हो सकती है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। लेकिन ये जो फ्यूज है ना बेटे, इसकी खास बात सुनो ध्यान से। इस फ्यूज की खासियत ये होती है कि जब तक तो करंट को कोई भी चीज कम करंट खींचती है, कम लेसर करंट खींचती है, तब तक तो ये ऑन रहता है। लेकिन जैसे ही करंट ज्यादा कोई चीज खींचती है तो
तो ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और यहां से सर्किट टूट जाता है। सर्किट टूटते ही करंट बंद हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, अगर फ्रिज लगा होगा, पंखा लगा होगा, तब करंट की वैल्यू कम होती है। कम होती है तो ये फ्रिज, ये जो फ्यूज है ना, फ्यूज इसकी वायर इसको हैंडल कर लेती है, उतना करंट जाने देती है, उतनी गर्माइश को ये सह पाता है। लेकिन जैसे इंसान की बॉडी इसको टच करती है और नीचे वो धरती से टच हो जाता है, तो इंसान की बॉडी और धरती पूरा जमीन मिलके एक बड़ा साइज का लोड हो जाता है, और ये लोड बहुत ज्यादा करंट खींचता है। बहुत ज्यादा करंट खींचते ही इस फ्यूज में बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है। हीट पैदा होते ही फ्यूज की जो वायर ऐसे लगी होती है, ये वाली वायर, ये यहां से मेल्ट कर जाती है। मेल्ट करने से ये टूट गई, यहां से टूट गई तो सर्किट में करंट जाता ही नहीं। टीचर ने बोला था सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में करंट जाता है। जैसे ये सर्किट में टूटने से करंट जाएगा नहीं, तो इस बच्चे की करंट के इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो मौत होने वाली होती है वो नहीं होगी। दैट इज वाई टीचर ने आपको बताया ये फ्यूज जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। आजकल क्या होता है, जैसे बच्चे ने हाथ लगाया तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है सर, पूरे घर की लाइट को ऑफ कर देता है, पूरे घर की लाइट को ऑफ कर देता है, तो ये ऑफ हो जाता है बच्चे। तो हम देखते हैं ये क्या हो गया, ऑफ क्यों हो गया, तभी हमें पता लगता है वो हमारे घर का छोटा सा बच्चा उसमें उंगली फंसा के बैठा हुआ है। तो हम उसकी उंगली उंगली निकालते हैं और इसके ऊपर हम इसको सेलो टेप, इसको किसी टेप से बंद करते हैं ताकि दोबारा ना बच्चा हाथ लगा सके। फिर जाके हम मिनिएचर सर्किट बोर्ड को ऑन कर देते हैं, और अगर फ्यूज उड़ गया हो तो उसकी ये वायर दोबारा लगा देते हैं। समझ आ गया, इस तरह से हमें ये फ्यूज बताता, बचा लेता है। सभी बच्चे, अगर मैं आपसे पूछने लगा हूं कि जब, जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा हैव यू अंडरस्टूड, तो सभी बच्चों को अगर समझ आ गया होगा तो राइट हैंड खड़ा करेंगे और साथ में बोलेंगे यस सर। देखते हैं कहाँ से आवाज आती है अच्छी। हैव यू अंडरस्टूड इट? ओ बॉय गॉड, सभी बच्चों के बाद वंस अगेन देखते हैं, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड खड़ा करना है, लेफ्ट नहीं खड़ा करना, लेफ्ट भी कर सकते हो अगर नहीं समझ आया। वंस अगेन, हैव यू अंडरस्टूड इट? शाबाश शाबाश बेटे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हमने ये आपके सिलेबस के मुताबिक एक चीज सीखी। ओके, अब कोई बच्चा मेरे को ये बताएगा, जो हम मार्केट से इस तरह की चीज लेकर आते हैं, मैं उसकी फोटो बनाता हूं, आप बताना उसको क्या बोलते हैं। शाबाश, फोटो बनाऊंगा तो आप उसको बताना ये क्या चीज होती है। बिल्कुल सही, सेल होता है और इसका पूरा नाम होता है ड्राई सेल। ठीक है बेटे, ये ड्राई सेल होता है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा इस ड्राई सेल का पॉजिटिव ऊपर होता है या नीचे होता है पॉजिटिव टर्म? बिल्कुल सही, ये सेंटर में जो टिप लगी होती है ये पॉजिटिव होती है और ये पूरी बॉडी सेल की यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, कौन बच्चा बताएगा इस सेल का वोल्टेज कितना होता है, यानी कि ईएमएफ, ईएमएफ कितना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर यहाँ मीटर लगाए तो उसकी कितनी रीडिंग आएगी? 5 9 वोल्ट 1.5 वोल्ट, लिख लो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट इसकी रीडिंग होती है बेटे। ठीक है, यस। और यहां पर इसके अंदर एक रॉड होती है काले रंग की, वो किस मटेरियल की बनी होती है? कार्बन रॉड। बहुत एक्यूरेटली बताऊं तो आप उसको ग्रेफाइट कह सकते हो, कार्बन लिख दोगे तब भी ठीक है, चलो कार्बन ही लिख दो, कार्बन रॉड। ठीक है बेटे,
कोई बच्चा ड्राई सेल की किसी कंपनी का नाम बता सकता है? देखें किसी को ब्रांड याद हो। ब्लैक एट ड्यूरासेल, एवरीडे, एवरेडी। ठीक है, इस तरह से हमारी कुछ, तो हम यहां से एक वायर निकाली, एक नेगेटिव टर्मिनल निकाला, यहां से हमने एलईडी लगाया, और अगर ये वायर कहीं से टूटी नहीं होगी तो ये एलईडी ग्लो करता है। अच्छा देखिए, कौन बच्चा बताएगा एलईडी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या था? एलईडी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो बेटे इसका नाम था गैलियम आर्सेनिक, सोनिक सोनिक नहीं बेटे, सैनिक, आर्सेनिक फॉस्फाइड। लिख लो दोबारा से, लिख लो गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ये कौन सी मेटल का इसका बॉडी होता है ड्राई सेल का? जिंक कंटेनर। हाँ जी बेटे, जिंक लिख लो, जिंक कंटेनर। ठीक है बेटे, ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर इसका एक बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है, हम ज्यादा नहीं बताएंगे आपको क्योंकि सिक्स्थ क्लास के सिलेबस के अंदर अंदर रहना है हमको। ठीक है, वरना हम इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन पर हमें उतना ही बताना है जितना क्लास का लेवल है, जितना बच्चे को समझ आ सके, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का, और जितना हमारे सिलेबस में है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता सकते हैं, बस ज्यादा नहीं बताना। ठीक है बच्चे, आगे चले, यस सर, आगे चले, अब हम आगे थोड़ा सा। ओके, अब मेरे को आप लोग ये बताओगे, शाबाश, ये बताओगे कि वाटर में से बिजली गुजर पाती है या नहीं गुजर पाती? तो आप इसका आंसर बताओगे कि सर अगर ये नॉर्मल टैप वाटर है, टैप वाटर है, तब इसमें से बिजली गुजर पाएगी, ये कंडक्टर हुआ। लेकिन ये अगर पानी 100% प्योर हो गया, जिसको के आप कोई उसमें साल्ट नहीं होएगा, जिसको आप डिस्टिल्ड वाटर बोलते हो, डिस्टिल्ड वर्ड याद रखना है, डिस्टिल्ड वाटर, तब इसमें बिजली नहीं गुजर पाती। डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिख लो बेटे, लिख लो, फिर गड़बड़ हो जाएगी वरना। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सर प्लीज जूम। अच्छा बेटे, अच्छा, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अच्छा एक चीज और बताओ अब मेरे को, शाबाश, एक चीज और करते हैं, आज का ये लास्ट करेंगे हम, बिल्कुल लास्ट, शाबाश बेटे, लास्ट चीज करने लगे हैं। अभी अभी टीचर ने आपको एक सॉकेट समझाया था, सॉकेट समझाया था जिसमें एक बड़े वाला होल था, एक छोटे वाला होल था, एक और छोटे वाला होल था। अगर इस अब सॉकेट को खोलकर इसके पीछे जाओ तो यहां पर तीन तरह की तारें निकलती हैं। जो बड़े वाले होल के पीछे से तार निकलती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो इसके राइट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड वाला होल होता है, उसके पीछे से तार देखेंगे वो रेड कलर की होएगी हमेशा, जो दूसरे से ब्लू कलर की, जो तीसरे वाला होल है उसमें से दो कलर अलाउड है उसमें, सर ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, दो कलर अलाउड है पूरे वर्ल्ड में, ये कन्वेंशन चलती है। और इस वाली वायर का क्या नाम होता है? अर्थ वायर, अर्थ वायर, शाबाश, ये बहुत अच्छा बच्चा है, कौन बता रहा है? इस वाली वायर का क्या नाम होता है, रेड वाली का?
वायर, लाइव वायर। और ब्लू और ब्लैक वाली वायर का क्या नाम होता है? न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल। इनका काम क्या होता है तीनों वायर का? ध्यान से सुन लो, पहले वाली लाइव वायर क्या करती है? ये जो हमारा डैम है ना, जहां से बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, डैम से घर तक बिजली को, करंट को लेके आती है ये वाली लाइव वायर। और न्यूट्रल वायर क्या करती है? सर्किट पूरा करने के लिए घर से डैम की तरफ वापिस लेके जाती है करंट को। पूरा सर्किट पूरा करना होता है। और अर्थ वायर क्या करती है? हमें हमें मौत से बचने बचाती है अगर बिजली का करंट लग जाए। फ्यूज भी बचाता है, ये भी बचाती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अगर अर्थ वायर नहीं होएगी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर अर्थ वायर नहीं होएगी और आपको करंट लग गया, तो ये बिजली छोड़ेगी नहीं, पकड़ के रखेगी हमेशा के लिए, जब तक कि डेथ नहीं हो जाती। और अगर ये अर्थ वायर होगी तो ऐसे हाथ लगा के आपको पीछे फेंक देगी, एकदम से झटका मारेगी, आप दूर जाके गिर भी सकते हो, लेकिन मौत नहीं होगी आपकी। ओके, तो इसलिए 3 पिन सॉकेट यूज करनी चाहिए, 2 पिन सॉकेट नहीं यूज करनी चाहिए। शाबाश, आज का लेक्चर समझ आया बेटे आपको? ये जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, वो दोनों हाथ ऐसे वेव करेंगे, हैव यू अंडरस्टूड? दैट्स लाइक द गुड्स। हम सभी स्टूडेंट्स को और मुझे थैंक यू, हमें मिल आपके क्लास टीचर जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहिए बेटे। अगर ये डिसिप्लिन ना होता क्लास में, तो कभी भी ये लेक्चर सक्सेसफुल नहीं होता। आई पर्सनली आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स हु आर गिविंग द सो गुड ड्यूटी। ओनली बिकॉज ऑफ योर कॉपरेशन दिस पीरियड वॉज सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बेटे, बाय बाय। सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर।